फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और आपको मैं दिखाता हूं चाइना में जो चाय की पत्तियां होती हैं वो हमेशा बताता है वो संतरे के अंदर होती है। इस पेपर को हटाएंगे तो इसके अंदर एक संतरा निकलेगा, संतरे में चाय की पत्तियां होंगी, इसमें डाल दिया गया तो ये चाय बनकर तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और आपको रिफ्रेश कर देती है पूरा। देखो चाइना में है ना मेंढक बहुत खाए जाते हैं, मुझे दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या होता है सी फूड में। ये देखो सांप की ये जो बॉम्बू नहीं होते अपने बांस होता है उसमें रहते हैं कीड़े, देखो इस तरीके के हैं भाई सब कैसे हिलडुल रहे हैं। तो ये इस सिटी का सेंटर में आ गए हम लोग, यहाँ पर इन लोगों का घर है, ये पूरा बड़ी बड़ी सी। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तक का साइकिल टूर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं चीन देश में हूँ और मेरे रूम की विंडो से बाहर का नजारा आप देख सकते हो, हमेशा गगनचुंबी इमारतें रहती हैं, लेकिन जियांगमेन शहर में थोड़े ऐसे पुराने पुराने घर आपको देखने को मिल जाएंगे। कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैंने 163 किलोमीटर की जर्नी की थी यांगजियांग शहर से जियांगमेन शहर के लिए और यहां पर आपको 100 साल से भी पुरानी एक स्ट्रीट में लेकर गया था कल वाले व्लॉग में। आज मैं आपको फिर से उसी स्ट्रीट में लेकर जाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा नहीं बताया था। एक बार आप मेरे रूम का नजारा देख लो, ये रूम है भाई, लगभग इसका 79 युआन लगा था। ये मेरा सामान बिखरा पड़ा, लीलन को मैं रूम में ले आया था। आज सुबह सुबह मैं बाहर घूमने गया तो मुझे वहां पर एक चाइनीज फैमिली मिली, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको हमारी फैक्ट्री दिखाना चाहते हैं, क्या आप चलना चाहोगे। और जब भी कोई हमें इन्वाइट करता है रूट पर तो हम ना किसी को नहीं कहते, तो हमने कहा हाँ जी हम चलेंगे। वो नीचे पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे, मैं नहा रहा था, नहा कर मैं तैयार हो गया हूँ। अभी वक्त हुआ है 2:54 यानी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं। मैं यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद उनसे मिलूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिखाने लायक होगा तो। लेकिन इस व्लॉग में बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको वो 100 साल पुरानी स्ट्रीट में लेकर जाऊंगा। ये इनकी बेटी है और ये सर है। हेलो, तो भाई लेने के लिए आए हमें, चलिए चलते। हाय, हेलो सर, हेलो, हाय। और ये इनकी बीवी है, हाय। तो अभी हम जा रहे हैं इनके घर पर, जियांगमेन सिटी में हैं और यहाँ पर सर वोम्बिया हैं और यहाँ पर तियन तियन है, तियां तियां एंड थुई थुई। सो ये लोग मुझे रेस्टोरेंट में मिले थे, हम जहाँ पर खाना वगैरह खा रहे थे। नज़ारा है जियांगमेन सिटी का, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं और मैं पहली बार चाइना में किसी गाड़ी में बैठा हूँ, नहीं अभी तक मैं साइकिल पर था और दूसरा कोई भी साधन मैंने यूज़ नहीं किया है। तो हमारी जो बाइसाइकिल है वो मैंने होटल में रख दी है और अब मैं निकल पड़ा हूँ इनके साथ इनकी गाड़ी में। अरे हाँ, सच में मैं पहली बार ही बैठा हूँ यार, मैं कोई दूसरी गाड़ी में बैठा ही नहीं, स्कूटर या बाइक पर भी नहीं बैठा अभी तक चाइना में मैं। इतने दिन हो गए मुझे, पहली बार, वाह ये सरप्राइजिंग है भाई साहब, मुझे याद ही नहीं था। ये बच्ची बड़ी प्यारी है। हेलो, बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है भाई यहाँ से। और ये लोग बोल रहे हैं हम इंडिया के बारे में, गंगा रिवर के बारे में जानते हैं, ये बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ इनसे कि भाई इंडिया के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सो दोस्तों ये फैक्ट्री है इनकी जहाँ पर समरसेबल पंप्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप बहुत सारे पंप्स वगैरह बना रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं और आपको मैं दिखाता हूँ चाइना में जो चाय की पत्तियाँ होती हैं वो हमेशा बताता है वो संतरे के अंदर होती है। इस पेपर को हटाएंगे तो इसके अंदर एक संतरा निकलेगा, संतरे में चाय की पत्तियाँ होंगी जो यहाँ पर ये रखे हुए इक्विपमेंट्स में डालकर हम पी सकते हैं। जैसे इसमें अभी पानी गर्म हो रहा है, फिर इसके अंदर इसको डाला जाएगा और उसके बाद इसको छान लिया जाएगा, तो ये बड़ा गजब का लगता है मुझे। अपनी कंट्री में नहीं है शायद, और चाइना की चाय बड़ी पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है। जैसे आप देख सकते हो एक और ये पेपर आ गया, इसके अंदर भी ये चाइनीज टी गिफ्ट ये है, और ये मैंने आपको ईवा के साथ दिखाया था जब हमने देखा था, तो ये भी एक चाइना की चाय है, डिफरेंट टाइप की, और एक ये चाय है। तो कई सारे तरीके की यहाँ पर चाय देख सकते हो आप, ये टी बैग्स हैं सारे। वो बच्ची एकदम खेल रही है इसके साथ में और मैंने उसको हटा दिया रैपर को, रैपर को हटाने के बाद इसमें चाय की पत्तियाँ निकली हैं और ये बड़ा गजब का होता है। चाइना में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अलग अलग तरीके से, जैसे जो सर हैं उन्होंने भी एक निकाला है, बाद इन्होंने चाय के इसके अंदर पानी डाल दिया संतरे के साथ ही, तो ये मेरे लिए थोड़ा और नया था, नाइस। ये इन कप्स को साफ़ करने का तरीका होता है, जैसे साफ़ करके उन्होंने मेरी तरफ रखा और अब देखो अभी ये चाय बनकर फिर तैयार हो गई है, क्योंकि गर्म होता है इसलिए इसको जल्दी से डालना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जलता जलता पानी डालना पड़ता है, इसमें डाल दिया गया तो ये चाय बनकर तैयार हो गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है और आपको रिफ्रेश कर देती है पूरा। या थैंक यू शिष्या, ये तैयार। तो इस तरीके की भाई चाय की पत्तियाँ होती हैं चाइना में जो बड़ी ही गजब की होती है। यस, इट्स नाइस। तो ये मेरे लिए ना अंगूर लेकर आए हैं, इनको मैंने बताया कि भाई मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, ये बीफ पोर्क वगैरह, तो इन्होंने फिर मैंने बोला कि मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, तो ये भाई अंगूर हैं और ये प्लम है
और इसके साथ ही ये एक और फ्रूट है, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या बताया था इन्होंने, और ये इसकी शेप देख कर मुझे लग रहा है मैंने पहले कभी खाया भी नहीं, इंडिया में होता है नहीं पता नहीं। थैंक यू शिष्या, थैंक यू शिष्या। तो भाई ये फ्रूट्स लेकर आए मेरे लिए। भाई दूसरी चाय बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक आइंड ऑफ इनका नाम बताया क्या, ग्रीन टी। ये धो के डाल दिया नीचे पहला वाला, मैंने बताया था पांचवा जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है इनका, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो ये बार बार इसको डालते रहेंगे, अभी बन के तैयार होने वाली है। और यहाँ पर इन्होंने और फ्रूट्स ले आए, बोले आप पियो क्योंकि आप वो तो खाते नहीं हो बीफ पॉट वगैरह, यहाँ पर तो वही चलता ज़्यादातर इसमें। और ये बच्ची बड़ी प्यारी है, ये है, ये ग्रीन टी है। और ये चाइना में एक जगह फुजियान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो सर वो बता रहे हैं कि वहाँ से ये लोग इम्पोर्ट करते हैं और बड़ी गजब की होती है। तो ये इनकी यहाँ पर दूसरा फ्लेवर है, पहला कहीं ना कहीं वो ब्लैक टी कह सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद तीसरी जो चाय होगी वो ये होगी, पिंक पिंक सी है, और इसके बाद एक और ये बच्ची है। तो भाई ये चाय बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं बैक टू बैक कम से कम भी अभी तक 7-8 ये छोटे छोटे कप पी चुका हूँ, और ये बोल रहे सारी ट्राई करनी है अपने को आज। तो ये थोड़ा टफ है, ठीक है, मना नहीं किया जा सकता। ये जो देख रहे हो तियां तियां को, ये कितना डांस वगैरह कर रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस जगह पर, इस जगह पर देखो ये भाई यही है। हाँ यस यस यस, यहाँ के बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं भाई, देखो कैसे डांस कर रही है इस बच्चे के पीछे। यहाँ पर ये जो है खतरनाक लग रहा है ना, ये देखो ये बच्ची है, इट्स अमेजिंग, नाइस। अभी देखो ये, देखो यहाँ पर इस जगह पर है ये, यही बच्ची है भाई, क्या बच्चों को ये लोग इतना एक्टिव रखते हैं, कितनी मेहनत करवाते हैं। ये देखो यहाँ पर, यस ये यस, ये देखो भाई देख रहे हो इसको, यही बच्ची है भाई। ऐसे कुछ बनाया जाता है यहाँ पर, ये सारे जितने भी पंप्स वगैरह देख रहे हो ये यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सबमर्सिबल पंप, यस। अब हम जा रहे हैं, रात के लगभग 7:30 हो गए हैं भाई, और अब ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें भी दी हैं, वो चाय भी दी थी, लेकिन मेरे को एक काम की नहीं है, मैं कैसे बनाऊँगा इसको, इसलिए फिर मैंने इनको वापस लौटा दी। बस इन्होंने मेरे को वो दी है हर्बल टी वगैरह, जो मैं इसीलिए पी सकता हूँ, वो जूसेस वगैरह। थैंक यू सो मच शिष्या, शिष्या। दोस्तों ये जो आप कार देख रहे हो, यहाँ की इलेक्ट्रिक कार है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड कार है, और ये आइडियल मॉडल बता रहे हैं इसका, और ये बोल रहे हैं कि यह चाइना में बड़ी पॉपुलर है, और जो आपने देखी होगी तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है, सामने स्क्रीन वगैरह भी 2-3 और पीछे भी काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों यहाँ से राइट साइड में देखो कितना सुंदर सनसेट हो रहा है, इस तरफ ये नदी है, मैं आपको बताता हूँ शहर की एंट्री पर आपको नदी ज़रूर मिलती है, और बड़ी बड़ी यहाँ पर गगनचुम्बी इमारतें दिख रही हैं, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ से, इट्स ब्यूटीफुल, यस। तो दोस्तों देखो चाइना में है ना मेंढक बहुत खाए जाते हैं, मुझे दिखाने के लिए लेकर आए हैं कि भैया यहाँ पर क्या क्या होता है सी फूड में। ये देखो सांप है या मछलियाँ हैं पता नहीं क्या है, ये शायद ये पानी वाले सांप हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं, ये सारे सी फूड हैं आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर ये बड़े बड़े श्रिम्प्स हैं, ये यहाँ रखे रहते हैं, इसमें से आपको निकाल कर जो भी खाने होते हैं ना वो आप खा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इनसे आज हम डिस्कशन कर रहे थे क्या क्या खा सकते हो, तो इन्होंने बोला हमें मगरमच्छ खाना भी बहुत पसंद है, ये लोग मगरमच्छ खाते हैं बड़ा बड़ा, 400 युआन का आता है, यानी 48 इंडिया के 5-1 हज़ार रुपये का मिल जाता है, और भाई फिर ये लोग सब खाते हैं बैठ कर। ये देखो अलग अलग टाइप की मछलियाँ, जो भी आपको पसंद आए वो 88 युआन की है, इसके अंदर पूरा सी फूड रखा हुआ अलग अलग टाइप से, वाओ इट्स जब डेंजरस। ये देखो भाई ये जीव जंतु देखे ही नहीं मैंने लाइफ में कभी, बड़े खतरनाक खतरनाक से हैं, बहुत बड़े बड़े से, उठा दिया पूरा का पूरा, इसके नीचे सारे के सारे कीड़े हैं, और ये कीड़े भी लोग खाने के लिए आते हैं, 58 युआन के। ये बड़ी खतरनाक चीज़ लगी यार मेरे को, जो अपने खेतों में होते हैं ना वैसे से लग रहे हैं कुछ, बड़े ही गजब के कीड़े हैं, यहाँ पर लोग खाना पसंद करते हैं। दिस इज बॉम्बो इंसेक्ट्स लिविंग इन बॉम्बूज, ओके गॉट इट। ये बोल रही हैं भाई कि ये जो बॉम्बू नहीं होते अपने बांस होता है उसमें रहते हैं कीड़े, देखो इस तरीके के हैं भाई सब, कैसे हिलडुल रहे हैं, खतरनाक। Amazing, nice.
तो ये इस सिटी का सेंटर में आ गए हम लोग। यहाँ पर इन लोगों का घर है। ये पूरा बड़ी बड़ी सी ये सारे मॉल वगैरह हैं और पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पर इन लोगों का घर है। यानी काफ़ी मेन जगह पर है भाई, बहुत सही जगह पर है। यहाँ पर अभी हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए आए हैं और ये लुकिंग कॉफ़ी है जो हमारे साथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या हुआ था। हाँ, एनीवेयर नो प्रॉब्लम एनीवेयर। और ये देखो और बच्चे, हाय निहाओ, हेलो हेलो हाय। सो दोस्तों ये मैंने लाते लिए यहाँ पर और टेस्ट इज़ गुड गुड। तो दोस्तों ये पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि भाई क्या उन्होंने पंगा किया था कि वो एक्स्ट्रा पैसे वैसे ले रहे थे उसके, वो एक्स्ट्रा लेते, लेकिन वो ये नहीं कि हमारी किस्मत का कुछ नहीं पता कब कहाँ पर कहाँ ले जाए। तो फाइनली घूम फिर कर उसी ब्रांड में आ गया हूँ मैं। और इसके अंदर इन्होंने जैस्मिन टी मिलाई है, यानी चाइना में चाय पीना बहुत पसंद है तो उन्होंने कॉफ़ी के अंदर भी चाय मिला दी है। तो ये थोड़ा टेस्ट गजब हो गया है इसका, वाकई में ज़बरदस्त लग रहा है। वियतनाम का मैंने हाईलैंड्स कॉफ़ी शॉप दिखाई थी, उसके बाद में थाईलैंड में कैफ़े अमेजन बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पर हर आपको सिटी में ये लुकिंग कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी हर जगह पर। इसका लोगो भी बड़ा गजब का दिखा मेरे को, मस्त लोगो है। कल रात को वो फैमिली मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आ गई थी और मैं फिर से रेडी हो गया हूँ, वो मुझे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाना चाहते हैं। तो अभी मैं उनके साथ जा रहा हूँ और ये मेरे रूम का दृश्य कुछ ज़्यादा ही बिखर गया भाई, ये कुछ ज़्यादा ही बिखरा पड़ा है, बट इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, ज़रूरत है मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट की। और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए जी बढ़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से, बाय बाय कहते हैं और होटल का एक दिन का एक्सटेंशन और लेते हैं। हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू निहाओ। Hi. Hello, hi. Tidia. Hi. Hello, how are you? Look at. Ni hao. Hao. ये खरीदने के लिए आ गई है कुछ खिलौने, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदूं। मैं सब बोलते हैं तिया तिया के पेरेंट्स बोल रहे हैं जो खरीदना वो खरीद ले, लेकिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब देख रही है बट ये भी नहीं लूं वो भी नहीं लूं, होता ना कभी कभी सब चीजें खरीदने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा। स्टोन पेपर सीजर खेल कर प्रैक्टिस कर रहे हैं ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों रात के 9:32 हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जियांग मैन का जो नज़ारा है वो लूटने के लिए। और ये जो कार है ये ली कंपनी की है जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसकी जो कीमत है भाई लगभग अगर मान के चलो इंडिया के 50 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा, या 50 से 60 लाख रुपए के अराउंड है इंडिया की। और काफ़ी लग्जरी कार बनाते हैं यहाँ पर, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है और ये आइडियल एलेट करके इसका कोई मॉडल है। और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी हाइब्रिड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, साथ में आप इसमें ऑयल से भी चला सकते हो और ऑटो ड्राइव भी है कहीं ना कहीं तक, जैसे कि पार्किंग से निकालना वो सब काम हो जाता है इजीली, इट्स नाइस। अभी मैंने इनसे पूछा भाई, इन्होंने बताया कि ये भी ऑटो ड्राइव कार ही है टेस्ला की तरह, यानी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस की हैं चाइना ने और कई सारी इन्होंने अपनी कार वगैरह बनाई हैं जो ऑटो ड्राइव है, जो आप देख सकते हो अभी ये कार भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। जैसे सामने वो गाड़ी आई तो उसने ऑटोमेटिक ही ब्रेक मार लिया, तो इस तरीके से बड़ी गजब की है और काफ़ी लग्जरी कार है यहाँ की, बहुत ही शानदार। अब देख सकते हो आप इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सामने आराम से ये ट्रैफिक लाइट पर रुक गई है इसीलिए। रात के 10 बज गए हैं दोस्तों और अभी मुझे ये थोड़ा सिटी का टूर दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ ये शहर कैसा दिखता है। तो ये आप नज़ारे देखो यहाँ के, यहाँ पर भी पुरानी पुरानी गलियाँ हैं जो 100-100 साल पुरानी हैं, उससे भी कहीं पर ज़्यादा हैं। देखो गली का जो कनॉट प्लेस है वैसा ही नज़ारा लग रहा है और ऐसी इस पूरी सिटी में इलाका ऐसा ही है। लेफ्ट साइड में आपको बड़ी बड़ी दुकानें नज़र आ रही होंगी। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की कि चीज़ें यहाँ पर बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं। देखो अभी 10 बजे और मोस्टली जितनी भी दुकानें वो सब बंद हो गई, लेकिन खाने पीने के जितने भी मार्केट हैं वो जो उस तरफ रोड के नज़र आ रहे होंगे वो सारे अभी भी खुले हुए हैं। इस तरफ भी आप देखो दुकानें कुछ कुछ खुली हुई हैं। और मेनली दिन के टाइम में ये मार्केट बड़ा ही चहल पहल वाला होता है, क्योंकि मैं यहाँ से कल या परसों जिस दिन मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं साइकिल से निकला था, दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका था। और अभी देखो कितना शांत है, इस तरफ नदी है और नदियाँ तो यहाँ की हर एक सिटी में है, तो समझ लो कहीं ना कहीं वो एक टूरिज्म का स्पॉट हो गया। लोग वहाँ अपनी दुकानें लगाते हैं, खाना पीना बेचते हैं और लोग वहाँ खाते हैं और घूमते हैं,
तो ये थोड़ा नज़ारा है जियांग मेन सिटी का, और आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, तो कल मैं राइड स्टार्ट करके आगे के लिए निकल जाऊँगा। ये जियांग मेन का भाई नाइट मार्केट आ गया, यानी रात को खुलने वाला बाजार एक तरीके से। रात को क्या, शाम के टाइम में बड़ा ही क्राउड रहता है, भीड़ भड़ा का। इस तरफ आप देख सकते हो तड़कती भड़कती गलियां हैं, और लोग यहां पर खाने पीने के लिए अपना चिल मारने के लिए आते हैं। एक्चुअली में चाइना के लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है, तो सब लोग रात को निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरफ ये देखो, ये इनका क्लब टाइप से KTV करके जो है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है चाइना में। और ये सारे यहाँ पर कोई कॉफ़ी शॉप्स हैं, कोई खाने पीने के रेस्टोरों वगैरह हैं, सूप वगैरह नूडल्स वगैरह ज़्यादा पीते हैं लोग, खाते हैं। ये नज़ारा है यहाँ का। सो भाई, इस परिवार को फाइनली बाय, कैसे वो झुक कर बाय बोल रही है। ओके बाय बाय तिया तिया, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स अलॉट, बाय, थैंक यू, बाय बाय सर, बाय, थैंक यू। बड़ी अच्छी फैमिली थी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, बाय बाय तिया, बाय बाय, बाय, हाय, बाय बाय, बाय बाय। बड़ी अच्छी फैमिली थी भाई, और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने, पूरे दो दिन इनके साथ बिताए मैंने, पूरे दो। और बाय बाय, अभी भी बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। आपको आपको स्ट्रगल बताता हूँ कि क्या होता है चाइना में। 12:22 हुए हैं, आप देख सकते हो, होटल के काउंटर पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि भाई मेरे रूम का इंटरनेट वो इतना स्लो है जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ 12:30 होंगे तब इंडिया में 10:00 और मुझे वीडियो पब्लिश करना होता है 7:30-7:30 के आसपास। मैं आज इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, इतना टाइम लग रहा है, बहुत स्लो इंटरनेट है यार, बहुत ज़्यादा स्लो इंटरनेट है, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मेरा वीडियो कभी आता है कभी नहीं आता, एडिट करके मैं रोज़ रख लेता हूँ, लेकिन वो अपलोड करने वाली दिक्कत हो जाती है क्योंकि इंटरनेट बहुत स्लो। रूम के अंदर सिर्फ 300 kbps की स्पीड आ रही है, यानी वीडियो के लिए कम से कम 12 चाहिए होंगे अपलोड होने के लिए। यहाँ इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार चाइना में, बहुत ज़्यादा बड़ी। मेरा वीडियो 6-7 GB का होता है, उसको अपलोड होने में कम से कम भी 4-5 घंटे लगते हैं यहाँ पर, बहुत मुश्किल है। और होटल के रूम में मैंने इनको बोला भाई वाईफाई चल ही नहीं रहा, बहुत सही घटिया स्पीड आ रही है, यहाँ भी 1 Mbps आ रही है, कुछ स्पीड नहीं आ रही यार। दोस्तों, अभी रूम में वापस आ गया हूँ और वीडियो अपलोड हो गई थी, 2:08 हुए हैं, और मेरे सामने मेरे एसी से मेरे कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि मैं इनको धोया था, अभी तक सूखे नहीं, कल राइड स्टार्ट करनी है। और अभी मैं सोया नहीं हूँ, कल सुबह मेरे को निकलना है क्योंकि भाई नेक्स्ट वीडियो एडिट करनी है, अगर नहीं एडिट करूँगा तो अपलोड कैसे करूँगा। तो वन मैन आर्मी की तरह काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। जैसे अभी मैं एडिट करने के बाद सोऊंगा तो मेरे को 3:00 उसके बाद उसको अपलोडिंग पर लगा दूंगा और सुबह तक अपलोड हो जाएगी शायद, यहाँ इंटरनेट बहुत स्लो है। तो अब मैं काम पर लगता हूँ और कल मैं आपको यहाँ पर वो चिमिंगलिक जगह वो घुमाऊंगा, और उसके बाद मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूंगा उसी जगह से। सो मिलते हैं कल सुबह।